पति पत्नी का अच्छा लाइफ चल रहा है, सभी ठीक ठाक है, तभी और अच्छी किक आने के लिए, सेक्सुअल किक आने के लिए क्या तीसरे व्यक्ति को अपने बेडरूम में आने देना है, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। क्या है कि आजकल ये फैशन हो चुकी है, स्पेशली फॉरेन कंट्रीज में अभी ये एक ट्रेंड है, एक लाइफस्टाइल है कि भाई पति पत्नी है, संसार कर रहे हैं और उसमें तीसरा व्यक्ति उसमें आता है और वो उनके साथ में सेक्स में इन्वॉल्व होता है दोनों के सहमति से। तो फिर ये कैसा होता है, ये क्या है, उसके बारे में मैं आज और डिटेल में बात करने वाला हूँ कि इसमें तीसरा पार्टनर कैसे ढूंढना, उसमें क्या धोखे हो सकते हैं, मतलब वो बात करेंगे। क्या अमेरिका में सर्वे किया गया, 274 लोग जो हेटरोसेक्सुअल थे उनको क्वेश्चनर दिया गया, उनमें से 24% लोग, 24% पुरुष, इन्होंने बोला कि हम थ्रीसम में इन्वॉल्व है, थ्रीसम मतलब तीन लोग सेक्स करते हैं साथ में, और 8% महिलाओं ने बोला कि हम थ्रीसम में इन्वॉल्व है, थ्रीसम मतलब तीन लोगों ने साथ में सेक्स करना, थ्रीसम, तो काफ़ी बड़ा आंकड़ा है ये। फिर क्या जब अमेरिका में हो रहा है, क्या हमारे देश में भी चलता नहीं होगा? डेफिनेटली चलता होगा, हमको मालूम नहीं है, तो इसके बारे में ज़रा बात करते हैं। क्या है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, दोनों भी खुश है, मगर हो सकता है कि एक पार्टनर पति पत्नी में से असेक्सुअल है, एक पार्टनर को इच्छा ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर मतलब असेक्सुअल है, उसको सेक्सुअल डिज़ायर नहीं है, सेक्सुअल बिल्कुल डिज़ायर नहीं है, सेक्स की इच्छा नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो वो पति पत्नी चाहेंगे कि तीसरा पार्टनर आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, भी नहीं तो भी मुझे इच्छा नहीं है तो कोई तीसरा आ गया तो चलता है। दूसरा ऐसा हो सकता है कि कभी कभी एक किक होना चाहिए, इसलिए एक आधे व्यक्ति को बुला सकते हैं, या फिर एक लाइफस्टाइल करके हर दिन किसी को बुला सकते ना, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे इसमें फिर क्या किया जाए जब तीसरे व्यक्ति को बुलाना है, तो अभी समझो पुरुष को ऐसी इच्छा हो रही है कि नहीं ऐसा करना चाहिए करके, मज़ा आती है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जॉइंट कॉल लेना पड़ेगा, जॉइंट कॉल के साथ में अपने पत्नी के साथ में, या पत्नी को ऐसी इच्छा हो रही है तो उसने पति के साथ में ऐसा जॉइंट कॉल, जॉइंट कॉल मतलब कि दोनों आपस में बातचीत करके कि उसको ये क्यों चाहिए, ऐसा क्यों लगता है उसको कि भाई थ्रीसम में आने का है, तीन लोगों ने मिलकर सेक्स करने का है, ऐसा उनको क्यों लगता है, एक तो वो है नंबर एक। नंबर दो कि जो पार्टनर को आप बुलाने वाले हैं वो हो सकता है कि आपका अननोन है, आ गया वो सेक्स कर लिया साथ में चले गया, बाद में कांटेक्ट नहीं हुआ, या फिर आपके परिचय का है, रेगुलरली आता है, उसमें रिस्क ये है कि वो पार्टनर के साथ में इमोशनल अटैचमेंट यदि किसका हो गया तो एक नया प्रॉब्लम चालू हो जाएगा, मतलब ये जो पति पत्नी का जो मैरिज है ये तभी धोखे में आ जाएगा, और तीसरा व्यक्ति अंदर आ गया, पति पत्नी और वो, ऐसा हो गया पति पत्नी और वो तीसरा आदमी आ गया, तो वो धोखा हो सकता है, इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल बॉन्डिंग हो सकती है और प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो सब धोखे आपको जानना जरूरी है कि किसको बुलाना, तीसरा व्यक्ति मतलब कौन, किस तरह का रहेगा। फिर अभी वो ढूंढना है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि डेटिंग ऐप्स है उसमें लोग एडवर्टाइजमेंट डालते हैं कि भाई हम पति पत्नी हैं और हमें तीसरा पार्टनर चाहिए, थ्रीसम करना है हमको, और कोई तैयार होगा तो आ सकते हैं, तो ऐसे उसमें लोग आते हैं और उसमें फिर आप इंटरव्यू करके, उनसे बातचीत करके, मुलाकात करके फिर उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है कि आप उसके साथ में डेट पे जा सकते हैं कि भाई उसको कैसा लगता है, एक दूसरे को जानकारी लेना, उसको क्या लगता है क्या नहीं, उसकी लाइकिंग्स क्या है वगैरह वगैरह, कि भाई पट्टी कि नहीं आपस में, मन मिलता कि नहीं, मन जुड़ता है कि नहीं, ऐसा। तो ये चौथा पॉइंट है। पांचवा है कि आपके इंटेंशन जो है वो आपने पहले ही सेट करना चाहिए, अपना उद्देश्य ये करने का, तीन लोगों ने साथ में सेक्स करने का उद्देश्य वो भी तीनों ने साथ में सेट करना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य एक बार मजा करना है, हमारा उद्देश्य ऐसा है कि हमको दोनों को सुख नहीं मिल रहा है इसलिए तीसरा आदमी लाओ और सेक्स करो, ये उद्देश्य है कि रेगुलरली उसको बुलाने का है, ये मतलब क्या उद्देश्य क्या है, क्यों कर रहे हैं ऐसा, और उसका फिर उद्देश्य सेट हो गया क्लियर कि भाई करना क्या है, तो डेफिनेटली वो अच्छा रहता है। ये पांचवा पॉइंट। छठवां पॉइंट है कि ये पहले डिसाइड करना है कि आपको किस तरह का सेक्स चाहिए। हो सकता है कि सिर्फ आप फोरप्ले कर रहे हो और बाकी कुछ भी नहीं, साथ में सब मिलके, मतलब तीनों मिलके, हो सकता है मतलब किसिंग कर रहे हैं, फोरप्ले कर रहे हैं, हो सकता है कि ओरल सेक्स कर रहे हैं, हो सकता है कि एनल सेक्स कर रहे हैं, हो सकता है BDSM कर रहे हैं। BDSM के बारे में मेरा अलग वीडियो एक है, और BDSM मतलब बॉन्डेज, डोमिनेंस, सेडिज्म, मैजोचिज्म, मतलब एक तरह का वायलेंट सेक्स होता है, तो वो सेक्स करना है। कंडोम वापरना कि नहीं वापरना, फिर ग्लोव्स का वापर करना कि नहीं, क्या अपने टेस्ट हो चुकी है हर एक की HIV की पहले, वो नील है टेस्ट, मतलब ये सब जानकारी पहले होना जरूरी है। ये छठवां पॉइंट हो गया। सातवां पॉइंट, जब वो सेक्स करते हैं तब आप उसके लिए मूड क्रिएट कर सकते हैं कि भाई कैंडल लाइट्स है
या फिर म्यूजिक चल रहा है हल्का सा, सेक्सी म्यूजिक है, कोई ड्रम बीट्स हो रहे हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है वो ड्रिंक्स के साथ में लेना है या सेक्स टॉयज का वापर करना है, लूब्स वापरना है, तो वो ऐसे मूड क्रिएट हो सकता है और उसमें आप सेक्स कर सकते हैं। वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि घर में करना है, बाहर करना है, होटल में जाना है और कोई शहर में जाने का है, पहले प्लान कर सकते हैं। आठवां पॉइंट, कुछ देशों में इसमें इसको कमिटमेंट सेरेमनी बोलते हैं। कमिटमेंट सेरेमनी इसका मतलब होता है कि ये दोनों जो है पति पत्नी, इसमें वो आ गया पति पत्नी और वो, तो अभी वो शादी तो नहीं कर सकता। इसको बोलते हैं पॉली एमोरस। तो पॉली एमोरस का मतलब होता है कि आप अनेक लोग इकट्ठा आके रह सकते हैं, रिलेशनशिप में रह सकते हैं। तो ये पॉली एमोरस में यदि हरदम के लिए रहना है, शादी तो नहीं कर सकते, तो इसको जो उत्सव मनाते हैं शादी जैसा एक, उसको बोलते हैं कमिटमेंट सेरेमनी। कि वो कमिटमेंट सेरेमनी में वो तीसरा आदमी इनके साथ में कमिटमेंट करता है, ये दोनों तीसरे व्यक्ति को कमिटमेंट करते कि हम तीनों साथ में रहने वाले हैं। तो ये कमिटमेंट सेरेमनी होता है, ये फॉरेन कंट्रीज में भी होता है, और उसमें वो कमिटमेंट करते, उसमें लोगों को बुलाते हैं और उत्सव मनाया जाता है कि भाई ये कमिटमेंट है और इस तरह से हम जीने वाले हैं। तो इस तरह का ऐसा ये होता रहता है। इसमें प्रॉब्लम यही है कि हमारे कल्चर में ये कहीं बैठता नहीं। अभी हमारे देश में तो इस तरह की बातें भी कोई करता होगा कि नहीं मालूम नहीं। हो सकता है कि बड़ी बड़ी सिटीज़ बॉम्बे, कलकत्ता, बेंगलोर, दिल्ली, इसमें बड़े बड़े जो बहुत ही HNIs जो है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, बहुत अमीर लोग हैं, पता नहीं वो करते हैं क्या। हम सुनते हैं सिर्फ कि ऐसा होता है। जो क्लब्स होते हैं बड़े बड़े, उसमें भी ऐसा होता है क्या, उसके लिए यहाँ लोग जाते हैं क्या, मगर ये सब मालूम नहीं है। तो इसलिए उसके ऊपर अधिकृत बात करना ठीक नहीं है। ये जो है ये पॉली एमोरस है। पॉली एमोरस मतलब बहुत लोगों ने, पॉली मतलब ज़्यादा लोगों ने साथ में आना। पॉलीगैमी जो है मतलब शादी करना, एक से ज़्यादा व्यक्ति के साथ में शादी करना, वो हमारे देश में गुनाह है। हिंदू व्यक्ति हमारे देश में एक ही व्यक्ति के साथ में शादी कर सकता है। सिर्फ मुस्लिम लोग जो है वो एक व्यक्ति चार औरतों के साथ में शादी कर सकता है इस्लाम में। और गोवा और वेस्टर्न कोस्ट में जो कुछ जो राज्य है, तो उसमें मतलब सेंट्रली कंट्रोल, उसमें दो औरतें कर सकता है। तो बाकी अदरवाइज पूरे इंडिया में एक ही कानून है कि एक ही व्यक्ति से शादी कर सकता है। दो व्यक्ति से करता है तो इल्लीगल हो जाता है। तो पॉलीएमरस ये शादी नहीं है, ये साथ में रहना है। और साथ में रहे के जैसा पहले इसमें हम सुनते थे कि एक राजा है, उसको चार औरतें थी, पांच औरतें थी, या एक औरत है और पांच आदमी हैं, जैसा पांच पांडव और एक द्रौपदी थी, हमने जो सुना है महाभारत में कि एक ही औरत है और पांच हस्बैंड है, तो ऐसे अलग अलग है। तो उसमें वो अभी तक चला था, मगर जो कायदा हुआ हमारे देश में, तो वो कायदे के अनुसार अभी पॉलीगैमी इज़ नॉट अलाउड। 1956 में हमारे देश में पॉलीगैमी इलीगल हुआ, 1956 में। तो हमारे देश में एक ही व्यक्ति एक व्यक्ति के साथ में शादी कर सकता है। इसलिए पॉलीएमरस में लोग जाते हैं और वो अपना जीवन जीते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।